दोस्त नमस्कार। खबर सफीपुर नाव से, जहां एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने नहर में लगाई छलांग। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को पानी से बाहर निकाला। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के लिलौली गांव के समीप से निकली शारदा नहर ब्रांच में युवक ने लगाई छलांग, जिसकी हो गई मौके पर मौत। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला, जहाँ युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त निकला। पुलिस ने परीक्षण के लिए भेजा विच्छेदन गृह। प्राप्त जानकारी के अनुसार सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर से रसूलाबाद रोड लिलौली गांव के समीप से निकली शारदा नहर ब्रांच में विक्षिप्त युवक ने लगाई छलांग। आसपास मौजूद कुछ ग्रामीण लोगों ने यह देख पहले तो नहाने के लिए युवक का नहर में कूदना समझा, किंतु जब कुछ देर तक वह पानी से बाहर नहीं निकला तो लोगों ने उसके डूबने का शक जताया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। गंगा कटरी परियर क्षेत्र से गोताखोरों को मौके पर बुलाया। काफ़ी मशक्कत हुआ। नहर पानी के अंदर छानबीन के बाद गोताखोरों ने लगभग 100 मीटर नहर परिधि क्षेत्र से शव को खोज कर पानी से बाहर निकाल लिया तथा पुलिस ने पता कर उसके परिजनों को सूचना दी। पुलिस द्वारा मौत की सूचना पाकर युवक के घर में कोहराम मच गया। परिजनों के सफीपुर थाने पहुंचने पर ब्रह्मन कुमार पुत्र रामकिशन के रूप में युवक की पहचान की गई। परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों से उसका पुत्र घर से गायब था। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार उक्त युवक को नहर क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया था। बीते दिन उसने अचानक शारदा नहर में छलांग लगा दी और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि नहर में डूबे मानसिक विक्षिप्त युवक के शव को गोताखोरों की मदद से पानी से बाहर निकलवाया गया और सभी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए परीक्षण हेतु उन्नाव भेज दिया गया है। मृतक के पिता ने किसी प्रकार के आरोप या प्रत्यारोप से इनकार किया है। सफीपुर उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता राजेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज सच की तहत। डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। तभी मतलब एक आदमी कूदा और फिर यहाँ के थोड़ा आगे आके ऊपर नीचे हमें दिखा है करते हुए, हमें लगा कि वो नहा रहा है इस नाम से, लेकिन फिर आगे जाके स्टेशन के पास से फिर निकल के बैठ गया। डूब गए। कितनी उम्र होगी पानी के अंदर ऐसे कैसे? लगभग हाँ रहेगा 20+ ही रहेगा। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती रहे।